ये कहां भाग रहा है? कोई मसला हुआ है क्या? अब हम क्या करें? आखिर कहां है मेलिसा? हाँ, कैसे ढूंढें? फोन उठाने वाला कौन था? अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो? मैथिन, तुम हौसला रखो। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। उसको मारा होगा जब ही वो घर से भाग गई। आपा, अगर वो इतनी रात में कहीं बाहर होगी तो बीमार पड़ जाएगी। मैथिन, बस कर दो। इस तरह परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। वो आ गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैरियत तो है बेटा, क्या बात है? मेलिसा कहाँ है? कहाँ है वो? हमारे घर। क्या, तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? गॉर्कैप, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गॉर्कैप। मेलिसा, गॉर्कैप दरवाजा खोलो। कौन है बेटा? मेलिसा, अरे ठीक है बेटी, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिक्र मत करो, नहीं जाऊंगी। ये कैसा हुआ बेटी, बताओ। मैं भी आता हूं। खुशामदीद माहिनूर। ओ मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? इसे तो तेज बुखार है माहिनूर, ये बीमार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। फोन किया था लेकिन नंबर बंद है। फिर एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा इसे, कुछ करना होगा माहिनूर। मितिन थोड़ा सब्र करो, हम बच्चे के बुखार के लिए एम्बुलेंस नहीं बुलवा सकते। क्या आपने इसका बुखार चेक किया है? किया था, मगर हाथ से बहुत तेज बुखार हो रहा है इसे। क्या आपके पास थर्मामीटर है, मैं इसका बुखार चेक कर लूं? जी बिल्कुल, जाओ बेटा, अंदर दराज में रखा हुआ है। आपने पानी में सिरका डाला था? हाँ डाला था, जब गोरकैम को बुखार होता था हम यही करते थे। मैथिन, तुम जरा हटो, मैं ऐसे देखती हूँ। बुखार में इतना उड़ाकर नहीं रखते। इस कमरे में तो हवा ही नहीं आ रही, जरा खिड़की खोल दें प्लीज। बेटा खिड़की खोल दो जाके। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो।
मैथिन, तुम जरा डॉक्टर को फोन करो जल्दी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। फोन बंद है, हमारा भी रابطہ नहीं हुआ था। बहुत तेज है, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम उस तरफ है। मैथिन, मेरी मदद करो, इसे बाथरूम लेकर चलते हैं। चलो आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ मेरी गुड़िया, ठीक हो जाओगी तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आराम से। बाहिनूर, सारे तौलिये साफ हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं जाकर गौरकैम के कपड़े लेकर आता हूं इसके लिए। डॉक्टर का फोन बंद है, क्या करें हम? मुझे नहीं मालूम, उसके घर जाओ, दरवाजा बजाओ, उसे यहां लेकर आओ। सुनो, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं, अपने बाबा को बता देना। हेलो डैफने, तुम मेलिसा के घर जा रहे थे क्या? मेलिसा यहाँ है, बहुत बीमार। क्या मतलब? मैं मैथिन अंकल को बताने जा रहा था। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। मैंने कपड़े यहाँ रख दिए हैं, किसी और चीज की जरूरत है? नहीं। जरा गौरकैम के घर जा रही हूँ। इस वक्त? लेकिन क्यों? मेलिसा बहुत बीमार है। माइनूर साहबा के घर रहती है ना वो? तो जी, लेकिन अभी गौरकैम के घर पे है। तुम नहीं जाओगी डैफने, पागल मत बनो। अम्मी, मैं बस उसे देखकर आ जाऊंगी। हाँ, मैंने मना किया है ना डैफने, जिद कर रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें डैफने? ये सब कुछ तुम अपने दोस्तों से सीख रही हो ना? जिद नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ मेरी दोस्त बीमार है, आप समझ क्यों नहीं रही? डैफने बेटा, तुम अगर चली भी जाओ तो भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप बैठो। बिल्कुल नहीं बाबा, मुझे मेलिसा को देखना है, वो बीमार है, हमने वादा किया था, वो मेरी दोस्त है। मैं समझता हूँ, लेकिन बहुत हो गया डैफने, बस। और वो इतनी जल्दी कहाँ से तुम्हारी दोस्त हो गई है जरा बताना मुझे, अभी तो मिले हो तुम दोनों। तुम्हें सुबह जल्दी जाना है, जाओ और जाकर सो जाओ। कमाल करती हो, अच्छा तरीका है बेटी से बात करने का, शाबाश है तुम्हें। असल शाबाश तो आपको है, अगर इस जगह हम मजीद रहे तो डैफने ऐसे यतीमों से दोस्ती और किसी सड़क पर ढोल बजाने वाले से शादी कर लेगी, उसकी बराबरी का एक भी दोस्त नहीं है यहाँ। सोचो जरा सोचो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ।